लोगों का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक इज है टुडे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एकदम फ्लैगशिप स्मार्टफोन को, जो कि है एक है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग S22 Ultra और दूसरा है एप्पल की तरफ से आने वाला iPhone 14 Pro Max। दोस्तों, ये दोनों फोन ही एकदम फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ आते हैं, फ्लैगशिप प्राइस भी हमसे पे करवाते हैं। तो क्या ये अपनी प्राइस को पूरे तरीके से जस्टिफाई करवाते हैं? तो दोस्तों, इन्हीं फोनों को हम पूरे तरीके से आज कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के प्राइस की। तो सैमसंग S22 Ultra की प्राइस है अराउंड 1,10,000 के आसपास आप अप्रोक्स में ले सकते हो, और iPhone 14 Pro Max की प्राइस है 1,40,000। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इन दोनों के डिस्प्ले की। तो सैमसंग में हमें डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 6.8 इंच की डिस्प्ले है, जिसमें हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 1750 यानी 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि HDR10 को सपोर्ट करती है। दोस्तों, ये इसमें एक ही तरह ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और दोस्तों, एप्पल की बात करें तो एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स में हमें LTPO सुपर रेटिना OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स की है, जो 6.7 इंच की डिस्प्ले साइज के साथ आती है। ये भी दोस्तों एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। तो अगर दोस्तों डिस्प्ले की बात करें, दोनों फोनों में काफी शानदार डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि अपने अपने प्राइस के हिसाब से पूरे तरीके से जस्टिफाई करता है। तो अब बात करें दोस्तों इनके कैमरा सेटअप की। तो सैमसंग में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें 108 मेगापिक्सल का वाइड, 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। साथ ही में हमें इसके अंदर लेजर ऑटो फोकस देखने को मिलता है और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 100x जूम का ऑप्शन भी इसके अंदर हमें मिलता है। और सेल्फी की बात करें तो इसके अंदर हमें 40 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। और अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स में हमें रियर में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो देखने को मिलता है। साथ ही में हमें एक लाइडर स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि हमें अच्छी इमेज कैप्चर करने में मदद करता है। और इसके अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें हमें 12 मेगापिक्सल का एक नया सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एकदम नए कटआउट में आता है। तो अगर कैमरे की बात करें दोनों में दोस्तों काफी शानदार कैमरा हमें देखने को मिलता है। और अगर इनके प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग में हमें स्नैपड्रैगन 888 और एक्सिनोस 2200 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर पर बेस्ड प्रोसेसर है, जो कि हमें काफी शानदार परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं, जिसमें आप कोई भी गेम एकदम सेटिंग पर चला सकते हो। और अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल में आता है A16 बायोनिक चिप, जो कि काफी शानदार प्रोसेसर है। दोस्तों, ये एकदम मॉन्स्टर लेवल प्रोसेसर है, यानी कि स्मार्टफोन में सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। तो सैमसंग इस मामले में एप्पल से पीछे रह जाता है कि परफॉर्मेंस के मामले में एप्पल में हमें काफी शानदार प्रोसेसर देखने को मिलता है। और अगर बैटरी की बात करें तो सैमसंग में हमें 5000 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि 4.5 वाट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और एप्पल की बात करें तो दोस्तों, एप्पल कभी भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करता है कि उनके फ़ोन के अंदर कितने mAh की बैटरी है। एप्पल हमें सिर्फ बताता है कि उसका फ़ोन कितने घंटे चल सकता है। तो फिर भी एक अराउंड देखें, एक अप्रोक्स लगाएं तो एप्पल में हमें 3800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि फास्ट चार्जिंग साथ रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। अगर दोस्तों बैटरी की बात करें तो सैमसंग S22 Ultra में हमें ज़्यादा बड़ी और बढ़िया बैटरी देखने को मिलती है, जिसमें फास्ट चार्जिंग भी आती है, जो कि हमें एप्पल में देखने को नहीं मिलती है। और अगर इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सैमसंग में हमें UI 4.0 देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है। एप्पल की बात करें तो इसके अंदर हमें iOS 16 देखने को मिलता है। अगर इनकी सिक्योरिटी की बात करें तो सैमसंग में हमें इन डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, और साथ ही में हमें इसके अंदर फेस लॉक भी देखने को मिलता है, और एप्पल में सिर्फ हमें फेस आईडी या फिर फेस लॉक देखने को ही मिलता है। तो अब बात करें सैमसंग के खास फीचर्स की। तो सैमसंग में हमें एस पेन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी एक्साइटिंग जो एस पेन आता है फ़ोन की बॉडी के अंदर ही
फिट हो जाता है। साथ ही में सैमसंग का फ़ोन विंडोज़ के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एप्पल की बात करें तो एप्पल में खास फीचर्स हमें बहुत सारे देखने को मिलता है। इसके अंदर में डायनामिक आइलैंड जो हमें देखने को मिलता है, जिसे हम डिस्प्ले का कटआउट को एप्पल ने डायनामिक आइलैंड नाम दिया हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एप्पल ने अपने सॉफ्टवेयर को इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि वो ऐप के अंदर ही मर्ज हो जाता है और डिस्प्ले का एक पार्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट फीचर आता है, वो आता है दोस्तों इसका ऑन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि हमें सैमसंग के अंदर देखने को मिलता है। जिसका नेक्स्ट फीचर आता है, वो आता है दोस्तों इसका क्रैश डिटेक्शन, मतलब आप कार चला रहे हो तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली एमरजेंसी कॉल कर देगा, जो कि एक सेफ्टी के लिए काफ़ी शानदार फीचर है। और इसके अंदर दोस्तों एक फीचर और आता है, वो आता है दोस्तों सेटेलाइट कॉलिंग। अगर आप कोई भी ऐसी जगह पे फंस गए हो जहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आप आईफोन के अंदर सेटेलाइट के थ्रू आप एमरजेंसी कॉल करके आप वहाँ पे अपने लिए एमरजेंसी सर्विसेज को बुला सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट ओपिनियन यही है कि एप्पल अपने फ़ोन की पूरे तरीके से वैल्यू जस्टिफाई नहीं करता। अगर देखे तो सैमसंग उसे लगभग हर चीज़ में कॉम्पिटिशन देता है, कई मामले में उससे आगे ही है। तो सैमसंग पूरे तरीके से अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। अगर आप एप्पल का फ़ोन ले रहे हो तो आपको उसके अंदर बस एक थोड़ा अच्छा कैमरा और थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा।